दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी शाम के 7 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और आज मैं जिगी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। तो देखिएगा किस तरह से मैं जिगी का बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहा हूं। तो अभी फिलहाल हमारे छोटा भाई गया मार्केट से शॉपिंग करने के लिए, जिगी का सारा सामान लाने के लिए। तो बस वो आ ही रहा होगा घर, और उसके बाद बर्थडे का तैयारी स्टार्ट होता है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो पे बने रहे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जिगी का केक कितना सुंदर है। तो फिलहाल हमारे जिगी का केक वेक सब रेडी हो चुका है, बस बैलम उलम सेट करना है फ्रेंड्स, और बाकी सब रेडी है ना मम्मी? हाँ, मतलब सारा तैयारी हो गया बैलून के डर से, पलंग के तले। देखिए देखिए देखिए, अभी पलंग के अंदर से निकला है जिगी। कहाँ जा रहे बाबू? जिगी पलंग के अंदर चला गया था ना मम्मी, बैलम के डर से पलंग के अंदर चल गया था जिगी। तो फिलहाल जिगी को जल्दी से रेडी करता हूँ और केक कट करवाता हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं फ्रेंड्स। फिलहाल हम आ चुके हैं जिगी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और सारी तैयारी हो चुकी है। बस अब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। तो जिगी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसके कारण मैं टोपी पहना हुआ हूँ। जिगी टोपी पहनने से भी डर रहा है, बताइए। और ये कैंडल देख कर डर रहा है। फिलहाल मुझे ही केक कट करना होगा, और ये दोनों दोस्त भी आ चुका है, तो सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं। जिगी इधर आ जाओ बाबू, इधर। फिलहाल बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुका है जिगी का, और मैं केक खा रहा हूँ फ्रेंड्स। केक का भी नाश्ता हो रहा, फिलहाल नाश्ता खत्म कर रहे हैं और दोस्तों भी खा रहा है केक। तो फिलहाल जिगी का बर्थडे समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स, और जितने भी सारे आप गुब्बारे देख रहे हो, ये सारे अपने से खुद से फुलाया हूँ। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।